जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त हुए आज पूरा एक महीना हो गया। हालांकि एक महीने के बाद भी घाटी में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के कई बड़े सांसदों ने केंद्र सरकार से कई अहम सवाल किए। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा, कश्मीर में आज 31 दिन हो गए हैं क्योंकि लोगों को पिछले महीने की 5 तारीख से ही बंद कर रखा था और 6 तारीख को ये कानून आया था। और शायद न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य के लोगों को बंदी बनाकर रखा गया। कश्मीर में तो 31 दिन आज हो गए, एक महीना पूरा हो गया, क्योंकि लोगों को 5 तारीख से ही बंद रखा था पिछले महीने की, और 6 तारीख को ये कानून लाया था। और शायद न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि किसी राज्य के लिए कोई कानून बनाया गया हो और वहाँ के लोगों को एक महीने से ज़्यादा बंदी बना के रखा गया हो, उनको वहाँ के लोगों को दुनिया से कट ऑफ रखा गया हो, जहाँ टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं हो, जहाँ इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं हो, ना वहाँ के लोगों को से मिलने की किसी को इजाज़त नहीं है, या वहाँ के लीडर जो बाहर हैं अपने राज्य से उनको अपने राज्यों में जाने की इजाज़त नहीं दी हो, जहाँ 3-3 चीफ मिनिस्टर उसी स्टेट के हों उनको नज़रबंद रखा हो, जहाँ एक चौथा चीफ मिनिस्टर दिल्ली हो, एक्स चीफ मिनिस्टर उसको अपने घर न जाने दिया हो, ये शायद भारत के इतिहास में पहली दफ़ा होगा। और शायद ये 1947 से पहले भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, जहां लोग बोल नहीं सकते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चल फिर नहीं सकते, वो दुकान पे पास नहीं जा सकते, वो दूध लाने के लिए नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते। ऐसा अंधा कानून हमने कभी नहीं देखा है, शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा है, जिसको जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, और इससे बहुत नुकसान देश का हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पिछले एक महीने से जम्मू कश्मीर में जो परिस्थिति है वो बहुत ही विचित्र है और बहुत डरावनी भी है। आज पूरा एक महीना हो गया जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन केंद्र सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया है, और पिछले एक महीने से जम्मू और कश्मीर में जो परिस्थिति है वो बहुत ही विचित्र है और बहुत ही डरावनी है। जम्मू कश्मीर में जितने राजनीतिक लोग हैं, जो कल तक जम्मू कश्मीर की राजनीतिक मुख्य धारा माने जाते थे, उन सबको या गिरफ्तार कर रखा है या नज़रबंद कर रखा है। बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक नहीं हैं पर अलग अलग व्यवसाय से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशे से वकील हैं या बिजनेसमैन हैं या बुद्धिजीवी हैं, उन सबको भी गिरफ्तार कर रखा है। एक बहुत बुनियादी प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर NDA भाजपा सरकार ये मानती है कि जम्मू कश्मीर में जो कदम उन्होंने उठाया है वो सही कदम है, वो कदम राष्ट्रहित में है, वो कदम जम्मू कश्मीर के हित में है, तो क्यों उन लोगों को नज़रबंद कर रखा है, क्यों उन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, क्यों वहाँ जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज नहीं चल रहे हैं, क्यों वहाँ पर दूरसंचार सेवा और इंटरनेट को सस्पेंड कर रखा है? ये बुनियादी सवाल हैं जो पूरे मुल्क के आवाम को पूछने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो वास्तविक परिस्थिति है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिज्ञ अंग है, अटूट अंग है, उसकी जो वास्तविक परिस्थिति है उसके बारे में अगर कोई जानकारी देता है या उसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसको राष्ट्र विरोधी करार किया जाता है। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा, इससे भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, और इस कमज़ोरी के ऊपर सभी जो प्रगतिशील शक्तियां हैं, राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, वो ऐसे लोग हैं जो भारत के ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं, उनको चिंतित होना चाहिए। कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर शशि थरूर ने कहा, एक महीने पहले कश्मीर पूरी तरह अंधकार में डूब गया था, लोगों को उनके ही घरों में बंद कर दिया गया था और राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
स्कूल कॉलेजों के साथ वहाँ की संचार प्रणाली पूरी तरह से ठप कर दी गई थी। ये एक साधारण सिचुएशन नहीं है। 30 days ago, Kashmir was literally plunged into darkness as people were essentially shut up in their homes, politicians were arrested or detained, and we found a situation with no telephone lines, no internet communication, no colleges, no schools, no examinations. This is not a normal situation. There's not much indication of improvement. Reporters on the ground, even in areas where the curfew has been lifted or partially lifted, report a great deal of seething sullenness and unhappiness. How would you like to live without any means of communicating with your loved ones for a full month? That's what Kashmiris have been subject to. I asked in Parliament, when will Kashmiri parents be able to drop their children off at school without having to worry that no one can call them if anything goes wrong? If we can restore those conditions of normalcy, we can then talk about Kashmir as a normal place once again. The constitutional sleight of hand shown by the government has been extremely worrying for those of us who care about Indian democracy. They've essentially changed the status of a state while its legislature is suspended. The governor of the state takes upon himself the right to decide in the absence of the state legislature. So a governor appointed by the center decides what the center wants to do is okay. The rights of the legislature to respect the wishes and aspirations of the people of Kashmir are suddenly transferred to a parliament where the BJP has a majority and where there are only 4 Kashmiri MPs currently, of whom one was under house arrest in Srinagar. Is this Indian democracy at its finest, or is it a violation of the basic spirit of our constitution? If it can be done to Kashmir today, it can be done to any part of India tomorrow. All you have to do is declare president's rule, do what you like to the state, and your appointed governor will give you all the consent you need. इसी बीच कश्मीर को लेकर देश भर में केंद्र सरकार द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच्चाई को दर्शाते हुए कुछ आंकड़े जारी किए हैं। मिथक नंबर 1, कश्मीर में विकास लापता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने विकास के गुजरात मॉडल से एक फटाफट तुलना की। मिथक नंबर 2, अनुच्छेद 370 में एक प्रावधान है जो इसे अस्थायी बनाता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने साफ किया, अनुच्छेद 370 के उपखंड 2 के अनुसार केवल संविधान सभा ही इसे निरस्त कर सकती है। मिथक 3, जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 में संशोधन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 0.2% लोग अनुच्छेद 370 में संशोधन चाहते थे, 7% लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। मिथक 4, भारतीय अब कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। तथ्य, अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में जमीन की बिक्री को कभी नहीं रोका। यह अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया औपनिवेशिक युग का कानून था, इसके अनुसार संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। मिथक 5, कश्मीरी महिलाएं अब गैर कश्मीरी भारतीयों से शादी कर सकती हैं। तथ्य, हमेशा ऐसा ही होता था। एकमात्र नियम जो 2000 से पहले अस्तित्व में था वह था राज्य के बाहर शादी करने वाली कश्मीरी महिलाएं जमीन नहीं खरीद सकती थीं।